यूक्रेन के बहाने रूस और नेटो के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। संकेत साफ है कि सुपर पावर 360 डिग्री घूमकर वहीं पर खड़े हैं जहां 77 साल पहले थे। अमेरिका और रूस के पीछे दुनिया पूरी तरह से बढ़ती हुई दिख रही है। हम आपको आइए बताते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने पर कौन कहां किसके साथ खड़ा होगा। जिस तबाही का डर जो कल्पना कपा रही थी, फिर से वही होता दिख रहा है। फिर से कुछ यूं वैश्विक विध्वंस की आहट सुनाई पड़ रही है। फिर से वृहद बारूदी त्रासदी की घंटी बज रही है। फिर से ऐसे ही प्रचंड प्रहार से सामूहिक विनाश की आशंका आकार ले रही है। फिर से बारूदी लकीर के बीच एटमी ताकत दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। सतहत्तर बरस बाद फिर से दुनिया 360 डिग्री घूमकर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस बनाम अमेरिका तैयार है विश्व युद्ध की पटकथा। रेडी बारूदी प्लेयर दुनिया पर टूटेगी विनाशक कहर। थर्ड वर्ल्ड वॉर, रूस या नेटो, कौन करेगा पहला प्रहार? बस अब इसी का इंतजार है, क्योंकि रूस भी तैयार है, बेलारूस और चीन भी बेकरार है, और नेटो का भी तबाही वाला ताव बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को रूस की सरजमी पर हमले की हरी झंडी दे दी है। नेटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक पूर्ण युद्ध की संभावना है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव कह रहे हैं कि नेटो सदस्य तेजी से और सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध में शामिल हो रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको कह रहे हैं कि नेटो डॉनबास से रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाला था। नाटो देश लगातार उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। नाटो बहुत ही आक्रामक तरीके से विस्तार कर रहा है। नाटो से जंग की संभावना अब बढ़ गई है। आने वाले भविष्य में हम इन बातों के बारे में जरूर लिखेंगे कि कैसे नाटो को 2020 के बाद स्मोलेंस्क क्षेत्र की सीमा तक पहुंचना था, हमसे सत्ता छीननी थी और डोनबास से रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करना था। यही आक्रामकता, यही जिद, यही वार्निंग वैश्विक शांति के छिन्न भिन्न होने की शंका को बेहिसाब बढ़ा रही है। यूक्रेन युद्ध के बहाने कैसे रूस और अमेरिका अपने अपने समर्थन में देशों को खड़ा कर रहे हैं? विश्व युद्ध की आहट के बीच कैसे वैश्विक समीकरण बदल रहा है, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि तीसरे विश्व युद्ध में कौन कौन प्लेयर दिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर इस वक्त वैश्विक युद्ध शुरू हुआ तो कौन सा देश कहां होगा, किसके साथ खड़ा होगा। तो एक तरफ अमेरिका है, या कहिए कि अमेरिका की अगुवाई में नेटो है। नेटो के 30 देश हैं और इसके साथ रूस और चीन की धमकी से साक्षात्कार करने वाला जापान भी होगा। यूक्रेन पहले से युद्ध में खड़ा है तो दूसरी तरफ सबसे आगे रूस खड़ा है, रूस के ठीक पीछे बेलारूस खड़ा है और इसके बाद नंबर आ जाता है रूस के साथ अमेरिका के जानी दुश्मन चीन का। किम जोंग उन
वाला उत्तर कोरिया है और इसके अलावा विश्व युद्ध की स्थिति में ईरान भी रूस के साथ है। सऊदी अरब भी छिटक कर एंटी अमेरिका कैंप में जाता दिख रहा है। विस्तारवादी बादशाह के नाम से कुख्यात बीजिंग के बादशाह के सऊदी दौरे के बाद से ही रूसी कैंप में साथियों की नई आमद हुई है। अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद सऊदी अरब ने शी जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछाया। चीन मिडिल ईस्ट में न्यूक सेंटर बनाने की तैयारी में है। इस बैठक में चीन में सऊदी अरब के पुराने दुश्मन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्वक इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान वही देश है जो यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा है। मेड इन ईरानी ड्रोन से ही रूस यूक्रेन में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। हथियार निर्यात को लेकर यूक्रेनी धमकी के बाद अब अमेरिका ने भी सऊदी अरब को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है ईरान के साथ रूस के बढ़ते सैन्य संबंधों ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ा दिया है, जबकि रूस ने पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। रूस ने ईरान को सैन्य और तकनीकी सहायता की पेशकश की। रूस ईरान को अपने हथियारों की क्षमता को मजबूत करने की अनुमति देगा। रूस ने किम वाले कोरिया को भी आखिरी दम तक समर्थन का ऐलान किया है, जिसके बाद रूस के कैंप में नॉर्थ कोरिया भी खड़ा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में पुतिन और किम जोंग उन के बीच नजदीकियां बेहिसाब बढ़ी। एक तरफ किम जोंग उन पुतिन के करीब है तो दूसरी तरफ अमेरिका उसका जानी दुश्मन है। यही वजह है कि विश्व युद्ध होने की नौबत में किम पूरी ताकत के साथ पुतिन के पीछे खड़ा होगा। इस सब के बीच चमगादड़खोर चीन अमेरिका को साधने के लिए पहले दिन से ही यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। ऐसे में तय है कि अगर विश्व युद्ध हुआ और फिर से युद्ध ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ होगा। विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी प्रबल होती जा रही है क्योंकि अमेरिका खुलकर रूस और चीन को सबसे बड़ा खतरा बता रहा है। रूस के तमाम नेता यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका या कहिए कि नेटो को जिम्मेदार बता रहे हैं। दोनों तरफ से आग उगली जा रही है और इस सब के बीच एटमी ताकतों का ऐसा समीकरण बन रहा है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।